चलिए आज हम विज्ञान की इस विकास यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 8 साइंस की बुक का फिजिक्स सेगमेंट का चैप्टर 14 है, दैट इज़ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम इस चैप्टर को अभी पढ़ेंगे, इसको लर्न करेंगे, लेकिन हमारा जो लास्ट लेक्चर था जिसका सब्जेक्ट मैटर था, टॉपिक था साउंड, उसके एक कंसेप्ट पे थोड़ी डिटेल करनी थी। वो डिटेलिंग हम पहले कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। हमने ये समझा दिया था आपको कि पिच क्या होती है। हमने बताया था कि पिच फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड, यानी कि एक सेकंड के अंदर एक पॉइंट से कितनी वेव्स क्रॉस हो रही हैं, इसे हमने फ्रीक्वेंसी कह के पुकारा था। एक सेकंड के अंदर अगर एक पॉइंट से 10 वेव्स क्रॉस हो रही हैं तो फ्रीक्वेंसी 10 है, अगर 20 वेव्स क्रॉस हो रही हैं तो फ्रीक्वेंसी 20 है। इसका यूनिट हमने समझा था कि हर्ट्ज़ है, जिसे हम H और Z में रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ के बीच की रेंज है जो ऑडिबल रेंज है, हम उन सब फ्रीक्वेंसीज वाले साउंड को सुन सकते हैं, हम कैपेबल हैं। यहीं पर पिच का कंसेप्ट आता था कि वो क्या था, तो हमने आपको बताया था कि पिच इज़ रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। हमने लाउडनेस का कंसेप्ट देखा था, और हमने पढ़ा था कि लाउडनेस इज़ रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड, पिच इज़ रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड जैसे कि मैंने बताया था कि वूफर बज रहे हैं आपके, वो बज रहे हैं स्पीकर, वूफर कह दिया मैंने, स्पीकर बज रहे हैं, और जितना ज़्यादा आप उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं वो उतने ज़्यादा बाहर की ओर आपको धधक धधक करते नज़र आते हैं, यानी कि उसकी वाइब्रेशन क्लियरली विजिबल है, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड आपको सरेआम नज़र आ रहा है, उतनी ही उसकी लाउडनेस है। ये उसका एम्पलीट्यूड था जो हमने लाउडनेस के साथ जोड़ करके आपको समझाया। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये साउंड की किस क्वालिटी से जुड़ा हुआ है, इट इज़ रिलेटेड टू द श्रिलनेस। साउंड कितना श्रिल है या साउंड कितना ग्रेव है वो डिपेंड करता है पिच के ऊपर। आई बात समझ में? यानी कि अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है साउंड में, फ्रीक्वेंसी हाई है, यानी कि एक समय में उस एक पॉइंट से ज़्यादा वेव्स क्रॉस हो रही हैं, तो इसका मतलब वो साउंड श्रिल साउंड है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। श्रिल साउंड का यहाँ पर मतलब ये है कि लाउडनेस को आप ऐसा ले लें कि जैसे कि मोटी आवाज़, दूर तक जाने वाली आवाज़, ठीक है, और पिच को यहाँ पर आप ये देख लें कि जैसे कि तीखी आवाज़, महीन आवाज़, पतली आवाज़, बारीक आवाज़, इस तरह से श्रिल वर्ड के साथ इसे हम यूज़ करते हैं। ओके, जैसे किसका साउंड ऐसा रहता है, साउंड ऑफ वुमेन, साउंड ऑफ बर्ड्स, साउंड ऑफ कैट, तो इनकी आवाज़ कैसे रहती है, चिड़िया की आवाज़ कैसे रहती है, कोयल की आवाज़ देखिए आप कितनी श्रिल होती है, कू ऐसी करके होती है ना, वेरी श्रिल, बारीक, पतली। चिड़िया की आवाज़ कैसी, तीखी, हम अक्सर कहते हैं ना चू 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 कर रही हैं। इसी तरह से अगर हम वुमेन की आवाज़ देखें, तो गाने अगर देखें ड्यूएट सॉन्ग, तो मेल और फीमेल में यही फ़र्क है कि उनकी आवाज़ क्या रहेगी, एकदम से चेंज। तो इसलिए मेल फीमेल की आवाज़ सिंगिंग में निकालने की कोशिश तो करते हैं, सोनू निगम कई बार करते हैं, बट वो बात बनती नहीं क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी अचीव नहीं हो पाती। आई बात समझ में? और फीमेल सिंगर हाई नोट से गाती हैं ऑलवेज, क्योंकि गले की बनतर ऐसी है। हमने वोकल कॉर्ड की लेंथ का कंसेप्ट समझाया था, उनकी वोकल कॉर्ड की लेंथ मेल की वोकल कॉर्ड की लेंथ से कम होती है। ओके, तो वुमेन की आवाज़ ज़्यादा श्रिल है, बर्ड्स की आवाज़ ज़्यादा श्रिल है, कैट की आवाज़ ज़्यादा श्रिल है, म्याऊ हमने देखा, लेकिन ये सारी की सारी आवाज़ उतनी लाउड नहीं है, उतनी ज़्यादा ऊंची नहीं जाती। बच्चों की आवाज़ में भी श्रिलनेस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप हमेशा नोटिस करेंगे कि उनकी आवाज़ आपके कानों में बहुत चुभती है। आप कहते हैं ना इसकी आवाज़ कानों में बहुत चुभ रही है, ये बहुत तंग कर रहा है, क्योंकि उसमें श्रिलनेस बहुत है, हाईली श्रिल्ड। ओके, लेकिन इसके बिल्कुल उलट, अगर फ्रीक्वेंसी कम है, एक समय में कम वेव्स उस एक पॉइंट से क्रॉस हो रही हैं, तो इसका मतलब वो एक ग्रेव वॉइस है, वो फ्रीक्वेंसी कम की वॉइस है, तो फिर उसमें वो श्रिलनेस नहीं है, तो इसका मतलब उसकी पिच काफ़ी कम है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी है, श्रिल वॉइस है, तो पिच हाई है। अगर ग्रेव वॉइस है, लो फ्रीक्वेंसी है, तो पिच लो है। तो फ्रीक्वेंसी इज़ रिलेटेड टू द पिच।
हाई फ्रिक्वेंसी मीनिंग द हाई पिच, लो फ्रिक्वेंसी मतलब द लो पिच। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो लो फ्रिक्वेंसी वॉइस यहाँ पर कौन सी हैं, साउंड कौन से हैं, लो पिच साउंड कौन से हैं, दैट इज़ द साउंड ऑफ मैन। क्योंकि इसमें क्या रहती है, इसमें लाउडनेस नज़र आती है आपको, आई बात समझ में, लाउड रहेगा। दूसरा साउंड ऑफ डॉग, मैंने बताया था उदाहरण के तौर पर मोहल्ले में जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, उनकी आवाज़ें कितनी दूर दूर से भी आ जाती हैं आपको, लेकिन आप ऐसा कहते हो कहीं दूर कोई बिल्ली बोल रही है, लेकिन आप कहाँ से भी रात को सोए हैं, बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन कितनी दूर के मोहल्लों में भी कुत्ते भौंक रहे हैं, आपको सुन रहा है, आई बात समझ में। शायद यही कारण भी है कि कुत्ते वगैरह मोहल्लों में रहते हैं तो उनकी रखवाली काफ़ी रहती है, क्योंकि दूर कहीं भी भौंकते रहें तो आप लोग अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन बिल्ली आपकी छत पे बोल रही है तो भी हो सकता है कि आपको नीचे नहीं सुन रहा। ओके, तो डॉग लाउड है, आवाज़ लाउडनेस है, एम्पलीट्यूड है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, आई बात समझ में। साउंड ऑफ अ फ्रॉग, फ्रॉग की आवाज़ देखिए कैसी गुडर गुडर करता रहता है ना पानी के बीच में, तो यहाँ पर भी आपको क्या नज़र आ रहा है, लाउडनेस नज़र आ रही है, लेकिन श्रिल नहीं है वॉइस, आई बात समझ में। आवाज़ क्या है, मोटी है, पतली नहीं है, बारीक नहीं है, इसलिए रात की अंधेरी सड़कों पर जब आप जा रहे हैं बरसातों के महीनों में, हर तरफ से इनकी डड्डुओं की, मेंढकों की आवाज़ें आपको सुनती रहती ना, गुडर गुडर आपको महसूस होती रहती है ना, तो यही कहानी है। ओके, कौन सी वॉइसेस हाई पिच है अब समझ में आ जाएगा, जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई है या लो, हाई फ्रीक्वेंसी है। हाई फ्रीक्वेंसी होने का मतलब क्या है, वॉइस क्या होगी, श्रिल, साउंड क्या होगा, श्रिल, और जैसे पतला होगा, बारीक होगा, महीन होगा, जैसे कि वॉइस ऑफ, साउंड ऑफ वुमन, साउंड ऑफ कैट, साउंड ऑफ बर्ड्स। और लो पिच साउंड जो है वो ग्रेव साउंड होगा, ग्रेव जैसे बहुत अंदर से आ रहा है, भीतर से कहीं से आ रहा है, उतना पतला नहीं, उतना बारीक नहीं, मोटा साउंड होगा, जैसे कि लायन का रोर, जैसे कि वुमेन का मैन का साउंड, जैसे कि फ्रॉग का साउंड, जैसे कि डॉग का साउंड, ये सारे कौन से हैं, ग्रेव साउंड है। इतनी बात क्लियर हुई, ओके तो पिच तो हमने कर ली, लाउडनेस भी हमने कर ली थी, एम्पलीट्यूड, वट इज़ क्वालिटी देन, क्वालिटी क्या होती है। सपोज़ कीजिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है दो साउंड्स की, साउंड वन एंड साउंड टू, सपोज़ कीजिए कि आपकी वेवलेंथ भी सेम है दोनों साउंड्स की, सपोज़ कीजिए कि आपका एम्पलीट्यूड भी सेम है दोनों साउंड्स का, है ना, दो साउंड ऐसे हो सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी दोनों साउंड डिस्टिंग्विशेबल, अलग हैं दोनों साउंड ना, दो अलग अलग प्रजातियों से आवाज़ें आ रही हैं, दोनों की वेवलेंथ, दोनों का साउंड और दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, दोनों का एम्पलीट्यूड जो है सब सेम है, लेकिन दो अलग प्राणी हैं तो दो अलग तरह की आवाज़ें हैं, आई बात समझ में। तो सब कुछ सेम होते हुए भी आवाज़ डिस्टिंग्विश कर लिया आपने, ये क्वालिटी है, ये साउंड की क्या है, क्वालिटी है। तो इट इज़ टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच इज डिस्टिंग्विश्ड, व्हाट इज़ द क्वालिटी, क्वालिटी इज़ द टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच इज डिस्टिंग्विश्ड, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द साउंड। जैसे कि आप बहुत महंगे स्पीकर्स लेते हैं, आपकी गाड़ी आजकल आ रही हैं तो बॉश का या फिर JBL का या फिर बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के उसमें स्पीकर्स हैं, तो आप क्या कहेंगे, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। एक्चुअली में आप ये कहना चाहते हो कि इस गाने में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहे हैं ये उन सबको बहुत ही खूबसूरती से डिस्टिंग्विश करके दे रहा है, तभी आपको अकेला अकेला इंस्ट्रूमेंट सुन रहा है, तो नाउ यू आर इन्जॉइंग द सॉन्ग मोर ब्यूटिफुली, आपको वो और अच्छा लग रहा है, क्यों, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट एक जैसे नहीं लग रहे, और ऐसा नहीं लग रहा कि गाने में सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक वॉइस और एक तरफ सारे इंस्ट्रूमेंट, बस फील हो रहा है कि ढोल बज रहा है हल्का हल्का, नहीं, वॉइस पूरी तरह से घुली हुई है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में, और एक एक इंस्ट्रूमेंट्स कंघी चलाने से लेकर के अंदर बारीक इंस्ट्रूमेंट्स भी चल रहे हैं कुछ बैकड्रॉप में, वो भी नोटिशिएबल हैं। सो द क्वालिटी ऑफ साउंड ऑफ दैट स्पीकर सिस्टम इज़ अल्टीमेट।
और वहीं पर आपने सस्ते से स्पीकर ले लिए हैं, आवाज़ तो बड़ी है उसकी, बहुत भयंकर आवाज़ देता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से बजता है सब कुछ उसमें, लेकिन क्वालिटी कोई नहीं। इसी तरह से अच्छे महंगे डीजे और सस्ते डीजों में ये अंतर होता है। महंगे डीजे वाले कहेंगे भैया हमारे ये वाले स्पीकर लगेंगे, दूसरे वाले कहेंगे ये वाले स्पीकर। तो आपका एक दोस्त है कह रहा है फ़र्क क्या पड़ रहा है, हमने तो धमाका ही मचाना है, हंगामा ही करना है, आवाज़ चाहिए हमें। मुद्दा ये है कि उसके स्पीकर में आवाज़ होगी, एक तरफ बस बीट सुनेगी और गाना चलता रहेगा, इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन दूसरे स्पीकर में एक एक इंस्ट्रूमेंट आप फील करेंगे, दिल भी नहीं धड़केगा, सिर भी नहीं चकराएगा, मूड भी अपसेट नहीं होगा और आप घंटों तक नाचते रहेंगे, क्योंकि उसके स्पीकर की क्वालिटी ऑफ साउंड बहुत ज़बरदस्त था। तो यानी कि क्वालिटी का अर्थ ये है कि कोई ऐसा साउंड जिसकी पिच लाउडनेस सब सेम भी है लेकिन आप उन्हें डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, ये क्वालिटी है। ओके, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द साउंड। ओके, तो हम कहते हैं साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी, इस गाने की साउंड क्वालिटी बहुत। तो आप पहले ज़माने में ऐसा होता था, ओरिजिनल कैसेट खरीद के लाते थे और कैसेट भरवाना, तो भरवाई हुई कैसेट की साउंड क्वालिटी और ओरिजिनल 100-125 रुपये का कैसेट लेके आना, दोनों की साउंड क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। कारण कि वो जो ओरिजिनल ख़रीद के लाते थे उसमें एक एक इंस्ट्रूमेंट सुनता था, समझ में आता था, तो हमें वो बहुत अच्छी लगती थी। तो हम ये कहते थे कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अलग अलग करके दिखा रही है ये कैसेट, चाहे उनकी पिच और लाउडनेस सम सेम भी है, बट इट इज़ वेरी वेरी मतलब डिस्टिंग्विश्ड, हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, द साउंड क्वालिटी इज़ फैबुलस। ओके, सो वो आपकी रिकॉग्निशन में है क्योंकि वो डिस्टिंग्विश्ड है, चाहे उसकी पिच और लाउडनेस सेम भी है, क्या अंतर पड़ता है, लेकिन वो डिस्टिंग्विश्ड है, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द साउंड। ओके, क्लियर हो गया कहानी। सो पिच का कंसेप्ट हमने कल भी डिस्कस किया था, क्वालिटी का कंसेप्ट हमने आज 8th क्लास के हिसाब से डिस्कस कर लिया, आने वाले समय में इन्हें और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने यूजुअल चैप्टर के साथ, दैट इज़ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्टेक्स्ट में हम आज क्या समझने वाले हैं। आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर पहले भी चैप्टर किया, उसमें हमने आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ाया था। हमने आपको ये बताया था कि कुछ ऐसे मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, और कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, फ्लो नहीं करने देते। जैसे कि हमने ये देखा था कि जो मेटल्स होते हैं ये फ्लो करने देते हैं, इसमें भी ख़ास तौर पर हमने समझा था आयरन है, हमने देखा वो फ़्लो करने देता है, कॉपर है करने देता है, एल्यूमिनियम है करने देता है। लेकिन इसके अलावा जब हमने रबर का, प्लास्टिक का, वुड का इस्तेमाल किया था तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था। हमने ये समझा था कि इनका भी रोल बहुत ज़रूरी है, हमने इन्हें पुअर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर की कैटेगरी में रखा, और हमने देखा कि जब हम शूज़ बनाते हैं, सॉकेट्स बनाते हैं, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट बनाते हैं जिसका कनेक्शन इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के साथ है, उसके साथ हम इंसुलेटर का मटेरियल का यूज़ करते हैं। जैसे अगर कॉपर की वायर है तो हम उसके ऊपर जैकेट यूज़ करते हैं प्लास्टिक का, कारण कि प्लास्टिक के वायर करंट कंडक्ट नहीं होगा और कॉपर की तारों को आप हाथ में पकड़ेंगे नहीं फिर, तो वो आपके सीधे संपर्क में नहीं आएगी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब सपोज़ कीजिए कि कॉपर की वायर है और मैंने उस पर जैकेट नहीं चढ़ाया और प्लग ऑन करके मैंने आपके हाथ में पकड़ा दी, आपकी जो भी रूपरेखा उसके बाद बनेगी उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि ये प्रमाणित हो जाएगा कि वो एक अच्छे कंडक्टर थे इलेक्ट्रिसिटी के। वो बात अलग है, प्रमाणित करने के लिए आप स्वयं शायद रहे ना रहें। तो इसी के लिए हम इंसुलेटर्स का प्रयोग करते थे। इंसुलेटर शब्द पर भी आज हम एक चर्चा करेंगे कि ये शब्द इस्तेमाल करना भी पूरी तरह सही है कि नहीं, लेकिन हमने ये अब तक की जो स्टोरी पढ़ी सुखनिदान, उसमें ये तो सिद्ध है कि हमने सॉलिड मटेरियल का इस्तेमाल किया, हमने अब तक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो सॉलिड मटेरियल से देखा कि या तो वो फ्लो करता है या नहीं करता है, लेकिन जिस सब्सटेंस को हमने इन यूज़ लिया वो सॉलिड था। आज हम लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड के थ्रू पास करता है कि नहीं। जब वो पास करता है तो जिस लिक्विड से वो पास करता है, क्या वो उस लिक्विड पे कोई चेंजेस इंड्यूस करता है?
क्या किसी तरह से वो लिक्विड चेंज हो जाता है? अगर हम उन चेंजेस को पढ़ेंगे तो यही उस इलेक्ट्रिक करंट का एक केमिकल इफेक्ट होगा लिक्विड्स के ऊपर। हम देखेंगे कि लिक्विड के थ्रू करंट के पास होने की इस टेक्नोलॉजी का, इस प्रोसेस का यूज़ हम बहुत से साइंटिफिक कमर्शियल प्रोसेसेस में यूज़ कर सकते हैं और हम आज की डेट में उसे यूज़ कर भी रहे हैं। हम इन सभी प्रक्रियाओं को आज बहुत अच्छे समझने जा रहे हैं। लेक्चर के अभी पहले वाले भाग में हमने साउंड के रिलेटेड कुछ कुछ पढ़ाया, इन बिटवीन बत्ती चली गई, लाइट चली गई या पावर चली गई। पावर जाने पर इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर पढ़ना ये अपने आप में बहुत ही गुणवत्ता का काम है, क्योंकि हमें इससे आभास होता है कि करंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लेकिन करंट आपके अंदर भी होना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। तो जो चलता रहता है वही करंट होता है। करंट का मतलब सदैव चलायमान रहना, चलते रहना। तो शुरुआत यही थी। क्वेश्चन है, डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? उसके लिए हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो हम करते आए। क्या करते आए? हम क्या करते थे कि हम सर्किट बनाते थे। सर्किट को बना करके एक बार देखते हैं कि क्या आप लोगों को याद है। जैसे सपोज़ कीजिए ये और ये, इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है मुझे बताइए। बड़ा वाला ऊपर नीचे नहीं हाथ करते होते, उंगलियां नहीं करनी ऐसे, बताएं बड़े वाला कि छोटे वाला? बड़े वाला, क्योंकि ऊपर तो छोटा भी हो सकता था ना, तो बड़ा वाला। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये छोटे वाला नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, इसके थ्रू अब हम गए हैं और ये हम गए और ये यहाँ पर, ये क्या है? ये बल्ब है। वेरी गुड। और ये हम गए हैं अल्टीमेटली, इस तरह से हम गए हैं, क्योंकि आज हमें स्विच का इस्तेमाल नहीं करना, आज हमें उसकी यूसेज नहीं है, तो हम उसे ना भी बनाए तो चलेगा, बट चलिए बना देते हैं। जो चीज़ें सीख ली उन्हें ना बनाना भी अच्छी बात नहीं, इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर स्विच ऑन है ना, तो ऐसी परिस्थिति में अब सर्किट क्या है, कम्प्लीट है कि इनकम्प्लीट है? सर्किट कम्प्लीट है, स्विच ऑन है। तो फिर ऐसे में बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? बल्ब ग्लो करेगा, तो बल्ब जग गया। ओके, लेकिन सपोज़ कीजिए कि बल्ब नहीं जगा, अब क्या कारण होगा? सपोज़ कीजिए कि बल्ब नहीं जगा, अब क्या कारण होगा? कारण हो सकते हैं, हो सकता है बल्ब फ्यूज़ हो। एक कारण क्या हुआ? बल्ब फ्यूज़ हो गया, यानी कि जो उसका फिलामेंट है वो ब्रेक हो गया, वो टूट गया। पहली कंडीशन, सर्किट आपका कंप्लीट था लेकिन फिर भी बल्ब फ्यूज़ है तो नहीं चल सकता। अच्छा, दूसरा कारण क्या हो सकता है? हो सकता है वायर का कनेक्शन लूज़ हो, हो सकता है वायर का कनेक्शन लूज़ हो। तीसरा कारण हो सकता है बैटरी डाउन हो, हो सकता है बैटरी लो हो। अब आप अपने वायर का कनेक्शन बेहतर करिए और दूसरा आप अपने बल्ब का फिलामेंट चेक करिए कि वो फ्यूज़ तो नहीं, फिर इसे दोबारा चलाइए। नहीं चलता है तो ये तय है कि बैटरी डाउन है, अब आप अपनी बैटरी को चेंज कर लीजिए, फिर वो ग्लो कर जाएगा। इस तरह की परिस्थिति आ जाती है, इसलिए मैंने बताया कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सर्किट कंप्लीट दिखने पर भी बल्ब नहीं जगता कई बार। ये हमने तब किया जब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें इंड्यूस कर दी, जैसे सपोज़ कीजिए कि ये बैटरी है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से मान लीजिए वायर जा रही है और ये सपोज़ कीजिए बल्ब है, एक तार यहाँ पर गई और यहाँ से सपोज़ कीजिए कि ये आपके हाथ में एक तरह का कोई पेचकस है और ये तार यहाँ पर जुड़ी, ये तार यहाँ पर जुड़ी, सर्किट कंप्लीट है ना, क्योंकि ये मेटालिक एरिया है ना इसका। लेकिन यही अगर मैं ये चेंज कर दूँ, ये तार यहाँ पर जोड़ दूँ और ये भी तार यहाँ पर जोड़ दूँ, अब ये चलेगा? क्योंकि ये तो प्लास्टिक का है हैंडल, तो फिर सर्किट इनकम्प्लीट हो गया ना। या ऐसा भी कर दूँ कि एक तार यहाँ पे जोड़ दूँ, दूसरी यहाँ जोड़ दूँ, अब चल जाएगा? नहीं, सर्किट अभी भी इनकम्प्लीट है। तो कुल मिला करके हमने सर्किट कम्प्लीट किया और ये चला। अब सपोज़ कीजिए यहाँ पर चीज़ें मैं बदलता हूँ, मैं कैसे बदलता हूँ? ये जो मैंने आपके सामने इस पेचकस का इस्तेमाल किया, इसकी जगह यहाँ पर हम चीज़ों को बदलते हैं। सपोज़ कीजिए एक डिस्कार्डेड वाटर बॉटल का आपने ढक्कन ले लिया, सोडा बॉटल या वाटर बॉटल कुछ भी हो सकती है,
और उसमें आपने कुछ लिक्विड डाल दिया। उसमें आपने कुछ लिक्विड डाल दिया। लिक्विड क्या डाला आपने? सपोज कीजिए आपने नींबू लिया और उसको निचोड़ा तो लेमन जूस डाल दिया, या फिर आपने विनेगर डाल दिया। लेमन जूस या विनेगर आपने यूज़ कर लिया। इस ढक्कन में, उस पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन जो है, उसमें आपने ये लिक्विड डाल दिया और ये यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से होकर के ये बल्ब की ओर तार जा रही है। बल्ब से होते हुए ये इस ढक्कन में एक थिम्बल आ रहा है इसका, और दूसरा थिम्बल यहीं से फिर नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अब अगर तो इस वायर से इस वायर तक करंट फ्लो हो गया वाया दिस लिक्विड, तो हम मानेंगे कि सर्किट कंप्लीट हो गया और बल्ब जग जाएगा। तो फिर इसका मतलब लिक्विड भी कंडक्ट करता है। और अगर इस वायर से इस वायर तक ये करंट नहीं फ्लो हुआ, कंडक्ट हुआ, तो फिर बल्ब नहीं जगेगा, तो हम ये मानेंगे कि लिक्विड कंडक्ट नहीं करता। लेकिन हमने ये देखा कि सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट फ्लो कर रहा है बल्ब के फिलामेंट से, ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। ओके, इसका मतलब ये लिक्विड कंडक्ट करता है। हमने यहाँ पर क्या नोटिस किया? मैंने यहाँ पर लेमन जूस यूज़ किया। लेमन जूस की कैटेगरी अगर मैं देखूँ तो इट इज़ एसिडिक, आई बात समझ में। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर विनेगर यूज़ किया, इट इज़ ऑल्सो एसिडिक। मैंने एसिडिक मटीरियल्स यहाँ पर यूज़ किए, क्लियर। अब जब मैंने इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया तो उसकी वजह से यहाँ से करंट कंडक्ट हो रहा है, तो लिक्विड करंट को कंडक्ट करता है, ये तो बात प्रमाणित हो गई। क्वेश्चन यही था कि डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? यस, लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि बल्ब से करंट होकर के गुजर रहा है। बट हमने अब तक ये देखा था कि बल्ब एक इनकैंडेसेंट मटेरियल है। इनकैंडेसेंट मटेरियल का मतलब यहाँ पर ये था कि बल्ब का जो फिलामेंट है वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने से हीट क्रिएट होती है, और उस हीट की वजह से उस फिलामेंट का टेम्परेचर राइज करता है। वो टेम्परेचर इस लिमिट तक राइज कर जाता है कि वो फिलामेंट ग्लो करने लग जाता है और हमको लाइट ऑब्जर्व होती है। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग करंट वहाँ से गुजरे। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि जब यहाँ से करंट गुजर रहा है तो बल्ब बहुत ही डिम जग रहा है, बहुत ही डिम, और फिर एक पॉइंट पे ख़त्म भी हो गया जगना। लेकिन स्टिल बैटरी में पावर है, लेकिन वो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब कि वीक करंट फ्लो कर रहा है। एक्टिवेट कर दें सब कुछ, ओके। स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसकी वजह से जिस लेवल पर टेम्परेचर राइज होना चाहिए था बल्ब के फिलामेंट का, उस लेवल पर टेम्परेचर राइज फिलामेंट का नहीं हो रहा, क्लियर। तो फिर हम इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर देंगे, और वो रिपीटेशन कैसे करेंगे? हम इस बल्ब की जगह पर यहाँ पर एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल करेंगे। एलईडी बल्ब्स में से दो वायर्स निकलती हैं, ओके। एलईडी बल्ब को जैसे ही हमने यहाँ पर लगाया तो हमने देखा कि सेम बैटरी है, सेम सेटअप है, और एलईडी बल्ब जग रहा है, क्योंकि एलईडी बल्ब बहुत ही कम टेम्परेचर से भी जगना शुरू हो जाता है, यानी कि उसे बहुत ही कम करंट चाहिए। आई बात समझ में? कंसेप्ट ही ये है कि उसमें टेम्परेचर का कंसेप्ट रहता ही नहीं है, उसमें डायोड्स का कंसेप्ट होता है। आप वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास कराइए, डायोड्स एक्टिवेट होकर के काम करती हैं, इसलिए इनका नाम लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं। एलईडी का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड्स। सो दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव टू द करंट बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ द डायोड सिस्टम। लेकिन ये इनकैंडेसेंट सिस्टम नहीं है दूसरे नॉर्मल बल्ब की तरह, इसलिए कम करंट के तहत, यानी कि वीक करंट या फीबल करंट के साथ भी हम एलईडीज़ को ग्लो करा पाए। इसलिए अगर आप देखेंगे बहुत पुराने ज़माने के स्टीरियो हुआ करते थे, उनमें हरे और लाल रंग के बहुत सारे एलईडीज़ होते थे। टेम्परेचर चाहे घर में कम करंट चाहे कम भी हो जाता था, यानी कि लो वोल्टेज होने पर भी वो जगते रहते थे। आई बात समझ में? उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। या बहुत पुराने के समय की बात अगर देखें तो अक्सर आप देवी देवताओं की, मंदिरों की, गुरुद्वारा
इन सब की कुछ फ़ोटोज़ लेकर के आया करते थे कांच की, और उनमें एलईडी बल्ब लगे रहते थे जो ऐसे 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 जगह करते थे, हरा लाल पीला, फिर ऐसे ऐसे जाने लग जाते थे, फिर ऐसे ऐसे जगते थे, फिर जगते थे, बंद होते थे, 5-6 पैटर्न बनाते थे, वो कमरों में लगे रहते थे। रात को हरे घर की लाइट तो बंद हो जाती थी, ये फिर भी जगमगाते रहते थे। घरों की खिड़कियों से अक्सर ये दर्शन पहले हो जाते थे, अब ऐसा नहीं होता। अब तो घरों में मंदिर घर भी अलग से बनाया जाता है, पहले जगहों की कमी की वजह से या जो भी रीजंस हैं, मंदिर भी साथ ही हुआ करते थे। मुद्दा ये है, सारे घर की लाइट वोल्टेज लो चल रही है, लेकिन फिर भी वो जो फ़ोटो है या मूर्ति है उसके अराउंड वो LEDs वर्क कर ही रहे हैं, वो बंद नहीं होते थे। कारण यही हुआ करता था कि आप फीबल या वीक करंट के साथ भी LED को फंक्शन करा सकते हैं। यही कारण था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्ल्ड की सभी गवर्नमेंट्स ने ये कोशिश की कि कम करंट कंज्यूम हो, इसलिए इनकैंडेसेंट से हम CFLs की तरफ आए, यानी हम फ्लोरोसेंट लैंप्स की तरफ आए, और फ्लोरोसेंट लैंप्स से भी आप आगे चले गए और आप LED की तरफ आए। आज की डेट में अगर आपकी गाड़ियों की बात करें, उनके हैंड लैंप्स टेल लाइट्स की बात करें, आपके घरों की लाइटिंग की बात करें, तो आज आप बड़े पैमाने पर LED लाइटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो इनकैंडेसेंट के कंपैरेटिवली तो बहुत ही कम, लेकिन CFL से भी कम इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम करके उतनी लाइट आपको पहुंचा देते हैं जितनी आपको ज़रूरत होती है। इसलिए वो कम वाट में भी, 2 वाट, 3 वाट और 5 वाट में भी आपको रोशनी दे देते हैं, जबकि दूसरी तरफ इनकैंडेसेंट बल्ब 100 वाट का कम से कम होता था फिर जाकर के लाइट देता था, क्योंकि उतने वाट पावर कंज्यूम करके ही, यानी कि उतना इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम करने पर ही उसका फिलामेंट